हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ले लिए गेहूं का आटा और इसमें मिला देंगे नमक। उसके बाद इन्हें मिक्स करेंगे और पानी डाल करके इन्हें अच्छे से गूंथ लेंगे। तो गूंथने के बाद इधर चकई कट कर लेना है, तो इनको बड़ी साइज़ में चकई कट करेंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद इन्हें बेल लेना है, तो इधर हम बेल लेते हैं। और इनको देखिए इतनी मोटी रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं और ना ज़्यादा पतली रखना है। और इसके बाद कट कर लेना है चाकू से, तो इस तरह पतले पतले कट करना है, छोटे छोटे, बिल्कुल मठरी जैसे, बहुत छोटे छोटे कट करना है, तभी खाने में अच्छे लगते हैं। उसके बाद आटा को भुरा देना है सूखा, और इन्हें अलग कर लेंगे सबको। तो ये देखिए यहाँ पर कट कर लिए हैं, और उबलने के लिए डालेंगे पानी। तो थोड़ा सा गर्म हो गया है, तब यहाँ पर हम डाल रहे हैं ये जो आटा को कट करके रखे थे। उसके बाद इन्हें हम ढक देते हैं पकने के लिए, और इन्हें 10 मिनट ढक करके बढ़िया से पकाना है, ताकि सब अच्छे से पक जाएं। और यहाँ पर पक जाने के बाद इन्हें हम छन्नी से छान करके निकाल लेते हैं। उसके बाद इन्हें हम प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए सबको निकाल लिए हैं, और इधर बनाने के लिए डाल देंगे सबसे पहले ऑयल, गर्म हो जाने के बाद जीरा और कटी हुई प्याज। तो प्याज को पकने देंगे, उसके बाद डाल रहे हैं अदरक बारीक कटा और हरी मिर्च तीखा के हिसाब से, तो सबको पका लेना है। उसके बाद डाल देंगे कटा हुआ टमाटर, तो यहाँ पर 3 टमाटर डाले हैं। और इसके बाद डालने की बारी आती है मैगी मसाला, तो इधर हम डाल देते हैं। उसके बाद डालना है पास्ता मसाला, तो इन दोनों से टेस्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मिलाएंगे। तो अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं जो उबाल करके रखे थे, इसको डाल देना है साथ में और मिक्स कर लेना है। तो इधर अब डालना है नमक, और ये आटे में तो नमक मिला है पर टमाटर में नहीं मिला है, तो उसी के हिसाब से मिलाना है। और इन्हें भी चलाते हुए मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डाल रहे हैं सोया सॉस, और अब डालेंगे वाइट विनेगर, और इन्हें भी मिला देना है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, और कमेंट करके भी बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो ये देखिए सब अच्छे से पक चुके हैं, तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।